नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली जो हमारी वीडियो थी लास्ट क्लास में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि ब्लड कैसे हार्ट में आता है, फिर कहाँ जाता है, फिर उसके बाद कैसे फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, उसके बाद फिर से आता है और हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके आगे की प्रोसेस जो होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, किस तंत्र के माध्यम से, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है शरीर के अंदर बॉडी में, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो किस माध्यम से किया जा रहा है। बेसिकली धमनी और सिरा जो होती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनमें ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, क्या पूरी प्रोसेस है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसकी सबसे पहले खोज की थी विलियम हार्वे ने बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है एक तरीके का सिस्टम है जिसके माध्यम से ब्लड सभी अंगों तक जाता है। तो इसमें एक तो हमने जब हमने हार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कैसे सारी जो वेन्स है पूरी शरीर में जो वेन्स फैली हुई है, वेन्स क्या होता है, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और सबसे छोटी, जो पूरी प्रोसेस होती है ना उसके बारे में पूरी समझने योग्य चीज है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, कोई इसमें कठिन समस्या नहीं है। तो अगर सर्कुलेशन की बात करें, जैसे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसमें ब्लड जो बह रहा है वो एकदम प्रेशर से बह रहा है। जैसे यदि कोई नस वगैरह काटता है, कोई हाथ वगैरह काटे तो यदि वेन कट जाती है तो उसमें एकदम ब्लड प्रेशर से आता है। लेकिन वही कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे तिलचट्टा होता है या सीप होता है, उनमें क्या होता है कि ब्लड बहुत प्रेशर से नहीं बहता, उनमें केवल ब्लड खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका कि बॉडी में ओपन। ऐसे जो भी जीव होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो उनका जो कंकाल होता है वो कंकाल ब्लड के बाहर होता है, यानी जहां पे जो वेन्स या उनके जो खुला परिसंचरण है तंत्र है तो ब्लड कंकाल के अंदर बहता है। यदि कंकाल के बाहर ब्लड बहने लगेगा तो आकार जो होगा वो किसी भी आकार का हो जाएगा, क्योंकि ब्लड तो कहीं भी भर सकता है, किसी भी एक हिस्से में जुड़ जाएगा, फिर जुड़ता जाएगा। तो कंकाल इसलिए बाहर से बना हुआ होता है ताकि उनका क्या रहे। लेकिन जब ब्लड एक वेन में जब कोई प्रेशर में बहना होता है तो एक जो पाइप टाइप के होते हैं, जैसे शरीर में जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो एक पाइप जैसी है, तभी तो उसमें प्रेशर बन सकता है, खुले में तो प्रेशर कभी बन नहीं सकता है। तो ब्लड जो पहला सर्कुलेशन सिस्टम है तो वो है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। इसमें सीधी बात है जीव आते हैं, जीव जंतु जो तिलचट्टा हो गया या सीप जो समुद्र में पाए जाते हैं वो जो जीव है, तो उनका क्या होता है कि कंकाल बाहर रहता है, कंकाल बाहर होता है और ब्लड अंदर खुले माध्यम में सर्कुलेट होता रहता है। यदि हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जैसे ह्यूमन है, मानव है, तो मानव में ब्लड जो बह रहा है वो नसों के माध्यम से बह रहा है, ना कि खुले परिसंचरण में बह रहा है। नसों में ब्लड बहता है, खुले में ब्लड नहीं होता है। तो जब नस, अगर नस कट जाती है तभी ब्लड बहुत प्रेशर से आता है, क्योंकि हार्ट के द्वारा उसको प्रेशर किया जा रहा है ब्लड को। हार्ट जब उसको प्रेस करता है ब्लड को तो क्या होता है, बहुत प्रेशर से जाता है। ये भी बताते हैं कि कितने प्रेशर से जाता है और कितने प्रेशर से आता है, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं कि इतने 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, क्योंकि ब्लड को जब हार्ट प्रेस करता है तो वो बहुत स्पीड से जाता है, यानी जब उस पर दबाव लग रहा है तो वो बहुत स्पीड। लेकिन जब वो उसका वापसी होने का टाइम होता है और ब्लड जब वापस जाके हार्ट में वापस आता है शुद्ध होने के लिए, फिर फेफड़ों में जाता है, तो उसका स्पीड कम हो जाती है, 120 से घट के 80 की स्पीड पे आ जाती है। तो यही ब्लड प्रेशर होता है, 120-80, यानी जा रहा है 120 की स्पीड से, आ रहा है 80 की स्पीड से। तो ये ब्लड। इसके बाद एक ऐसा परिसंचरण तंत्र भी होता है जो मिक्स ब्लड परिसंचरण। मिक्स्ड में क्या होता है कि किसी जगह पर ब्लड जो होता है वो खुले में बह रहा है और किसी जगह पर ब्लड जो होता है वो वेन्स में बहता है। जैसे एक जीव होता है मछली, मछली एक अलग ही प्रकार की जीव है। हार्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि मछली में केवल दो ही कोष्ठक होते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, बाकी मैंने जैसे तीन देखा था सरीसृप में और स्तन, उसमें स्तनपाई में देखा था हमने कि चार कोष्ठक होते हैं। तो इसके बारे में हमने समझा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो हार्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, वो बहुत अच्छी वीडियो थी, उसमें अच्छी जानकारी। मछली में क्या होता है कि जैसे मछली का जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, मछली के पूंछ में क्या होती है, वेन्स पाई जाती है, लेकिन और जो उसका शरीर का और जो हिस्सा होता है उसमें खुले परिसंचरण में बहते हैं। जैसे अगर मछली का अपन बीच वाला हिस्सा देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर भी होता है, जो ढांचा होता है, वो बाहर की तरफ होता है, बाकी सारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ढांचे के अंदर होता है। तो ये मिक्स प्रकार के परिसंचरण। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, रक्त वाहिकाओं में होता है, ये मैंने बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तो ब्लड रक्त वाहिकाओं में ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है।
इसके बाद दो जो होती हैं, जो दो दो प्रकार की वेन्स होती हैं, जो जिनमें क्या होता है कि दो प्रकार की नसें या पाइप जिनको हम बोल सकते हैं, जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक होती है धमनी जिनको हम बोलते हैं आर्टरी, और एक होती है सिरा जिसको हम बोलते हैं वेन। धमनी और सिरा में क्या बेसिक अंतर होता है उनके बारे में हम समझते हैं। तो इनमें बेसिक अंतर क्या होता है कि धमनी में जो ब्लड होता है, धमनी क्या कहती है कि जब हार्ट से बॉडी की तरफ जब ब्लड जा रहा होता है, जब हार्ट प्रेशर करता है ब्लड को, जब शुद्ध होकर ब्लड हार्ट में आ जाता है, फेफड़ों से होते हुए हार्ट में आता है, जब उसको प्रेशर करता है तो वो बॉडी की तरफ जाता है, पूरे एक एक अंग की तरफ ब्लड जाता है। तो धमनी में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से वो बॉडी की तरफ जाता है, तो तब 120 की स्पीड से ब्लड जाता है। कब? जब हार्ट से हार्ट उसको पंप करता है, जब हार्ट में पूरा ब्लड जुड़ जाता है और जब उसको प्रेशर किया जाता है, ताकि ये सारे बार बार प्रेशर करता है हार्ट उसको, धक धक करके उसको प्रेशर करता है, पंपिंग का काम करता है, तो ये सारे 120 की स्पीड से जाता है। और वही अपोजिट सिरा में क्या होता है कि सिरा में जो वेन होती है उनमें क्या होता है कि बॉडी से हार्ट की तरफ, जब ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जब ये CO2 लेके वापस लौट रहा होता है हार्ट की तरफ, तब इसकी स्पीड जो गिर जाती है वो 180। अगर आप किसी भी चीज को लाए, बॉल को ही ले ले, वो दीवार पे मारे, तो वो जाएगी स्पीड से, लेकिन उतनी स्पीड से वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जितनी स्पीड से जाती है उतनी स्पीड से वापस नहीं आएगी, क्योंकि यहां से उसको प्रेशर किया गया, वहां से दीवार से तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं, अगर वहां से भी कोई प्रेशर मारे तो वो उतनी स्पीड से आएगा। जैसे अगर आप बैडमिंटन देखें कि यहां से जितनी स्पीड से मारते हैं वहां से भी उतनी स्पीड से मारते हैं, तो एक ही रहती है। लेकिन यदि बॉल का ही देखें तो दीवार में मारोगा बॉल तो जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से वापस नहीं आती है, तो इसकी स्पीड इसलिए घट जाती है। दूसरा तथ्य जो है कि जो धमनियां होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनियों में शुद्ध रक्त से मतलब है कि ये जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, क्योंकि धमनी में जो ब्लड आता है वो पूरा हार्ट से ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद जो आता है वो धमनी में ब्लड आता है। इसमें क्या सिरा में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त होता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड जब फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजन लेके घूम रहा है और सारे अंगों को ऑक्सीजन देके और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आता है, तो ये अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो अशुद्ध ब्लड होता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो शुद्ध रक्त कहलाता है। इसके बाद ये जो धमनियां होती हैं, ये शरीर जो जैसे अगर बॉडी में देखें तो ये थोड़ी सी गहराई में होती है, इंट्रावेस्कुलर होती है। इंट्रावेस्कुलर का मतलब होता है कि ये मांस के नीचे होती है, इसलिए ये इतनी नीचे होती है क्योंकि ब्लड जो होता है जब जाता है धमनी में तो ये प्रेशर से जा रहा है, क्योंकि 120 की स्पीड है, अगर ये कहीं ऊपर हुई तो बेर जो ये धमनियां ये फट जाएंगी, इसलिए इसको अंदर रखते हैं ताकि प्रेशर ना पड़े। प्रेशर जो है वो हमारा कई सारे पार्ट उसके ऊपर के जो भी हिस्से हैं तो उस प्रेशर को झेल सके, तो इसलिए ये जो धमनियां होती हैं ये गहराई में पाई जाती है, और इनका गहराई में पाई जाती है, इनका जो रंग होता है वो गहरा लाल रंग का होता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है। वही अगर सिरा की बात करें तो सिरा जो होती है वो शरीर के स्किन के जस्ट ऊपर नीचे वाले हिस्से में होती है। स्किन के नीचे आपने देखा होगा पीली पीली ये नीले आकार की हरे आकार की जो सिराएं दिखती हैं वो सिरा होती है, क्योंकि ये स्किन के नीचे इनमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, 180 की स्पीड होती है, 120 की स्पीड तो जाने में होती है, तो इनका जो रंग होता है वो थोड़ा सा नीला हो जाता है, किसी किसी में हरा भी नजर आता है। ये स्किन के जस्ट नीचे सिराएं प्रेजेंट होती है। एक अपवाद होता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी क्या होती है कि अपवाद नहीं है, एक तरीके से मिसकॉन्सेप्ट है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त इसलिए पाया जाता है कि हमने इसमें बोला है कि ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी का जो अशुद्ध रक्त इसलिए इसमें होता है क्योंकि ये हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, ना कि बॉडी की तरफ जाती है। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त होता है वो हार्ट से और लंग्स की तरफ जाता है, फिर वो शुद्ध होके आता है। तो यहां भी एक अपवाद बन जाता है कि फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है तो इसमें शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि ये हार्ट से हार्ट की तरफ जब आती है तो ये फेफड़े से होके आ रही है, और फेफड़े से जो हार्ट को जोड़ती है वो फुफ्फुस सिरा जोड़ती है, तो फुफ्फुस सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि वो फेफड़ों से शुद्ध होके आ रहा है, शुद्ध रक्त ले लिया है उसने। अगर हम इसकी हार्ट के जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी सिस्टम की बात करें कि किस माध्यम में बह रहा है, तो सबसे पहले ब्लड हार्ट में, हार्ट से जाता है तो ये महाधमनी से होते हुए जा रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो बड़ी धमनी होती है महाधमनी जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है तो फिर ये धमनी में आ जाता है। महाधमनी से छोटी होती है धमनी, उससे भी छोटी होती है छोटी धमनी कहते हैं जिसको, छोटी धमनी में और ब्लड, ये धीरे धीरे इनकी क्या होती है मोटाई होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। सबसे छोटी होती है केशिका, आंखों की आपने छोटी छोटी वेन्स जो है वो देखी होगी, केशिका जिनको बोलते हैं, जो एकदम लाल लाल सी दिखाई देती है छोटी पतली पतली, वो केशिका होती है, यानी
ब्लड छोटे से छोटे नस में जाके पूरे में ऑक्सीजन देके आता है, उसके बाद ये रिटर्न होता है। तो केशिका से फिर ये जाता है छोटी सिरा में, केशिका से ब्लड कलर उसका चेंज हो जाता होने लगता है धीरे धीरे, फिर नीला हरा होने लगता है, तो छोटी सिरा में जाता है, छोटी सिरा से फिर ये सिरा में जाता है, और सिरा से फिर महासिरा में जाके और हार्ट में फिर से ये जाता है, हार्ट इसको पंप करता है फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों से ये प्योर होके फिर आता है, फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो है ये ब्लड के प्रोसेस की कहानी होती है कि ब्लड कैसे जा रहा है, हार्ट से कहां से होते हुए जाता है, फिर वापस कैसे आता है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी जानकारी देखी धमनी और सिरा के बारे में, देखा कि धमनी और सिरा में क्या बेसिकली अंतर होते हैं। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए होंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और आगे के जो और जो टॉपिक है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।